बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमने सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारे पास तीन पेयर हैं, GBP USD, यूरो USD एंड AUD CAD। तो फिलहाल हमारे पास GBP USD का डे वन टाइम फ्रेम ओपन है, GBP USD का पेयर है। इसका हम आपको लॉन्ग टर्म टारगेट बताएंगे कि इसकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट ब्रेकर था, उसके बाद हमारे पास ये सप्लाई एरिया था, प्राइस ऊपर गया, सप्लाई एरिया को टच किया, उसके बाद अगेन डाउन मूव हुआ, उसकी रिस्पेक्ट की, यहाँ पे हमारे पास फिर ब्रेकर में मिला, उसके बाद ये हमारे पास सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया के पास जब प्राइस गई तो सप्लाई एरिया को ब्रेक किया, जिसके पास हमारे पास ये डिमांड है, जोन एरिया हमने ड्रा किया, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद इसको ब्रेक किया, साथ ही हमारा डिमांड जोन एरिया भी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे हमारे पास हमें एक और ब्रेकर मिल गया जिसे हम ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ही ब्रेकर यहाँ पे मिला हमको, उसके बाद हमारे पास ये सप्लाई एरिया आ गया, डे वन का पॉइंट ऑफ डिसीजन लेवल है, यहाँ पे प्राइस जाके डिसीजन में करेगी, फैसला करेगी कि इसको इसकी रिस्पेक्ट करना है या ब्रेक करना है। ओवरऑल हम बताते चलें कि GBP USD का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये सप्लाई एरिया है डे वन का, लेकिन शर्त है कि हमें कंफर्मेशन मिले तभी हम ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे। कंफर्मेशन हमें H4 में मिलती है, जैसे ही ये बीरिश जो स्ट्रक्चर चल रही है जैसे ही ये बुलिश में कन्वर्ट होगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डे वन की सप्लाई जोन एरिया होगा। तो अभी तक तो इसमें कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल हम इस आपको इसका ये जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये GBP USD का ये सप्लाई जोन एरिया है 1.3540 के आसपास, और उसके बाद हमारे पास है यूरो USD का पेयर। तो यूरो USD की अगर हम बात करें, ये मैंने ओपन कर दिया है, यूरो USD का डे वन टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास बेस ऑफ स्ट्रक्चर थी, उसके बाद हमारे पास ये सप्लाई एरिया था, मार्केट सप्लाई एरिया पर गई है, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट किया है और ब्रेक कर गई है, जिसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेकर मिला और ये हमारे पास डिमांड जोन एरिया था, प्राइस आया है डिमांड जोन एरिया पे और इस डिमांड जोन एरिया को ब्रेक कर गया है। डिमांड जोन एरिया ब्रेक करने के बाद हमें एक बार फिर से ब्रेकर मिल गया, ब्रेकर के बाद हमारे पास ये सप्लाई जोन एरिया था जिसे हम पॉइंट ऑफ इंडिसिजन बोलते हैं। अब हमारा यूरो USD का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसका नेक्स्ट टारगेट इसका डेली का जो डिमांड जोन सप्लाई जोन एरिया है ये होगा, लेकिन अभी H4 में इसने कंफर्मेशन की है, बीरिश टू बुलिश में स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, लेकिन अभी हमने वेट करना है कि जैसे ही प्राइस H4 की इस डिमांड जोन एरिया पे आएगी तो तब हम इसका बाय का सोचेंगे, अदरवाइज अभी तक इसमें कंफर्मेशन क्लियरली नहीं हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म हम इसका जो टारगेट है वो आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म इसका टारगेट ये नेक्स्ट सप्लाई है D1 की 1.1400 पूरा फिगर इसका जो है इसका नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है। आगे हमारे पास है AUD CAD का पेयर। तो AUD CAD के बारे में अगर हम बात करें तो यह हमारे पास ब्रेकर था, ये हमारे पास सप्लाई जोन एरिया था, प्राइस गई है सप्लाई जोन एरिया की रिस्पेक्ट करती हुई, मार्केट सेल में गिरी है, उसके बाद हमें ये ब्रेकर मिला है। हम ब्रेकर मिलने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक माइनर सप्लाई थी, माइनर सप्लाई को इसने ब्रेक किया है, जिसकी बेस पे हमारे पास ये डिमांड जोन एरिया आया है, डिमांड जोन एरिया पे प्राइस आया और थोड़ा रिस्पेक्ट गया और फिर डिमांड जोन एरिया को ब्रेक कर गया है, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ पे आती है, प्राइस ने पुश किया और हमारी ये सप्लाई एरिया ब्रेक किया, जिसकी बेस पे हमने ये डिमांड जोन एरिया ड्रा किया, उसके बाद हमें यहाँ पे मेन ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मिल गया। इस ब्रेकर की बेस पे अब हमारे पास जो मेजर डिमांड जोन एरिया है वो डे वन का वो ये खड़ा है। इसका जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं हम आपको जो पॉसिबल है वो ये है कि ये प्राइस यहाँ से सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट करेगी और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 0.8949 होगा, इसके आसपास इस जोन इसका नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है।
लेकिन अभी इस पेयर में सेल की कंफर्मेशन नहीं हुई क्योंकि H4 में बुलिश स्ट्रक्चर चल रही है, ये बेरिश स्ट्रक्चर में जब भी तब्दील होगी उसके बाद हमारे पास डिमांड सप्लाई जोन एरिया आ गया H4 का, तो तभी हम इसको सेल करेंगे। लेकिन ये हम आपको इन 3 पेयर्स के बारे में ओवरव्यू दे रहे हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, कहाँ पे ये इसका नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है। तो हमने आपको GBP USD के बारे में बताया कि इसका बुलिश टारगेट है, नेक्स्ट सप्लाई EURUSD के बारे में बताया कि इसका भी सेम GBP USD की तरह ही नेक्स्ट टारगेट इसका day 1 की सप्लाई जोन एरिया है। उसके बाद हमारे पास AUD CAD का पेयर है जिसकी मेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है, जिसकी बेस पे हमने ये डिमांड एरिया फाइंड किया है। तो प्राइस जैसे ही अपनी बेरिश स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर बेरिश में कन्वर्ट करेगी तो उसके बाद हम इसमें सेल देखेंगे। इसका लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो ये डिमांड जोन एरिया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि PKFX Academy की तरफ से आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट चाहते हैं तो हमारे सारे सिग्नल्स को फॉलो कीजिएगा, हमारी सारी फॉरकास्ट को फॉलो कीजिएगा, तभी आप ओवरऑल मंथली या वीकली बेसिस पे प्रॉफिट इंशाल्लाह ज़रूर अर्न करेंगे। तो सब दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।